अब हम करने जा रहे हैं ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। ग्राम पॉजिटिव रॉड दो टाइप के होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग। सबसे पहले स्पोर फॉर्मिंग में हमारे पास बेसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम आ गया, और नॉन स्पोर फॉर्मिंग का हमारे पास CLG, कॉलेज से इसको याद रखना है, कॉर्निबैक्टीरियम, लिस्टेरिया और गार्डियनेला। नॉन स्पोर फॉर्मिंग का हमेशा याद रखना है नाम कॉलेज से, CLG, ठीक है। इसके अंदर एंडोटॉक्सिन्स नहीं प्रोड्यूस होता। और उसके बाद हम आगे बेसिलस पे, अब हमारे पास दो टाइप्स थी किसके अंदर स्पोर फॉर्मिंग में, बेसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम। बेसिलस में हमारे पास दो स्पीशीज हैं, बेसिलस एंथ्रासिस और बेसिलस सीरियस। बेसिलस एंथ्रासिस क्या करवा रही है, वूल सॉर्टर डिजीज़ करवाती है, और डिजीज़ क्या नाम क्या है, एंथ्रेक्स। और ग्राम पॉजिटिव रॉड, क्योंकि हम ग्राम रॉड्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद नो नॉन मोटाइल हैं रॉड्स विद द स्क्वेयर एंड द डी ग्लूटामेट कैप्स्यूल है। अब जो UHS में सवाल आता है वो आता है हमारे पास टू एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बेसिलस के नाम और उनके के वो क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक एडिमा फैक्टर आ जाएगा जो एडिनालेट साइक्लेज को प्रोड्यूस कर रहा है, और लीथल फैक्टर आ जाएगा जो प्रोटीएज को प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद हमारे पास इसकी हैबिटेट सॉयल है। उसके बाद ट्रांसमिशन में हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन में हमारे पास कुटीनियस एंथरेक्स है, इनहलेशन एंथरेक्स और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंथरेक्स है। एडिमा फैक्टर क्या करेगा, एडिमा फैक्टर ये आपने याद कर लेना, मैकेनिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडिमा करवाने का। ये जो एडिनालेट साइक्लेज है वो साइक्लिक AMP की प्रोडक्शन को ज़्यादा करेगा। साइक्लिक AMP क्या करवाएगा, आउटपोरिंग ऑफ द फ्लूड फ्रॉम द सेल इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और वो एडिमा प्रोड्यूस कर देगा। उसके बाद हमारे पास लीथल फैक्टर है, लीथल फैक्टर में हमारे प्रोटीएज है जो फॉस्फोकाइनेज क्लीवेज करवाएगा, नो एक्टिवेशन ऑफ MAPK, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। उसके बाद इनहिबिशन ऑफ सेल ग्रोथ हो जाएगी और सेल डेथ हो जाएगा। जो मेन बात आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि डीमा फैक्टर एडिनाइलेट साइक्लेज के साथ, और लीथल फैक्टर हमारे पास प्रोटीएज के साथ। उसके बाद दो सब यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, ए जो है वो हमारे पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी करवा रहा है, और बी जो है वो हमारे पास प्रोटेक्टिव एक्टिविटी फॉर्म पोर्स इन द ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन। तो जो इसके अंदर UHS में सवाल था वो ये था कि टू एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बेसिलस के नाम, तो वो हमारे पास ये दो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है हमारे पास। तो क्लिनिकल फाइंडिंग में हमारे पास कुटेनियस एंथरेक्स, जो हमने तीन उसकी फॉर्म्स पढ़ी थी, कुटेनियस एंथरेक्स, इनहेलेशन एंथरेक्स और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंथरेक्स। तो हमारे पास जो सबसे पहले कुटेनियस एंथरेक्स है, ये इसको जो मेन बात याद रखने वाली है वो ये है कि वो ब्लैक स्कार प्रोड्यूस करता है पेनलेस अल्सर के साथ। उसके बाद हमारे पास ये सारे आपने सिम्टम्स पढ़ लेने, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंथरेक्स में वॉमिटिंग, ब्लडी डायरिया, एब्डोमिनल पेन आ जाता है। एक बात पीछे हमने वूल सॉर्टर डिजीज़ की याद की, उसके बाद हमने दो जो थे टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जो थे वो हमने देखे। उसके बाद हमारे पास एक बात ये आ गई कि ब्लैक स्कार और लेबॉर्टरी डायग्नोसिस में हमारे पास ग्राम स्टेन स्मियर में ग्राम पॉजिटिव रॉड्स आ जाएंगे, ब्लड एगर में हमारे पास नॉन हीमोलिटिक कॉलोनीज, कॉमेट टेल अपीयरेंस, ये याद रखना है कॉमेट टेल अपीयरेंस बेसिलस एंथ्रेस में थी। उसके बाद PCR, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट और लीसा। उसके बाद बेसिलस सीरियस है, बेसिलस सीरियस में जो है ना वो हमेशा ये याद रखना, ये हमारे पास सिनेरियो आता है कि आफ्टर री ईटिंग राइस के बाद कौन सा होता है, तो वो बेसिलस सीरियस होता है। तो हमारे पास डिजीज ये फूड पॉइजनिंग करवाएगा, ट्रांसमिशन स्पोर्स ऑन द ग्रेन सच एज राइस। उसके बाद पैथोजेनेसिस में ये टू एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करा है, एंडोटॉक्सिन तो रॉड्स में प्रोड्यूस ही नहीं होते, तो एक्सोटॉक्सिन दो प्रोड्यूस करेगा। एक कॉलर टॉक्सिन की तरह काम करेगा जिसे एडिनालेट साइक्लेज, मैंने आपको पहले बताया कि साइक्लिक AMP को बढ़ाएगा, वो फॉस्फोराइलेट करेगा, आयन ट्रांसपोर्टर इन द मेम्ब्रेन एक्सपोर्ट करेगा, आयन को आउटपोरिंग ऑफ फ्लूड और डायरिया करवा देगा। उसके बाद एक हमारे पास स्टेफिलोकोक एंटेरोटॉक्सिन, वो भी हमारे पास फूड पॉइजनिंग करवा रहा था किस तरह, IL-1 और IL-2। उसके बाद हमारे पास क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है, शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड में वॉमिटिंग और नोजिया होगा, लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड में हमारे पास वॉटरी नॉन ब्लडी डायरिया होगा। तो बात ये याद रखने वाली है कि आफ्टर री ईटिंग राइस जो होगा वो बेसिलस सीरियस होगा। उसके बाद हमारे पास क्लॉस्ट्रिडियम आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉस्ट्रिडियम है। अब ये हमारे पास स्पोर फॉर्मिंग में हमने बेसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम दो पढ़े थे, अभी हम क्लॉस्ट्रिडियम पे आ गए। क्लॉस्ट्रिडियम की फोर टाइप्स हैं, टेटनाए, बॉटुलिनम, परफिंजन और डेफिकल। अब जो हमारे पास क्लॉस्ट्रिडियम है ना, इसका जो है ना हमारे पास क्वेश्चन ये आता है UHS में कि डिजीज ट्रांसमिशन, एक्शन ऑफ टॉक्सिन और स्पोर फॉर्मिंग कौन से है, और स्पोर ऑन रस्ट और नेल पे आ रहा है, तो टॉक्सॉइड टेटनस वैक्सीन के तौर पर यूज़ करते हैं इसके अंदर, और ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव रॉड्स है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले डिजीज़ क्या है, वो टेटनस प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद हमारे पास हैबिटेट सॉइल है, पोर्टल ऑफ एंट्री वूंड साइट है, पैथोजेनेसिस हमेशा याद रखनी है इसकी, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई की, टेटनस टॉक्सिन जो है ना वो एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन तो इसके अंदर होगा नहीं, तो एक्सोटॉक्सिन जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है बाय द वेजिटेटिव सेल एट द साइट ऑफ द वूंड। ये हमारे पास इंट्रा एक्सोनल टू द CNS और बाइंड टू द गैंग्लियोसाइट रिसेप्टर। अब ये रिलीज ऑफ ब्लॉक कर देंगे रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन और गाबा को। तो मेन बात जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि बाइंड कर रहे हैं ग्लैंग्लियोसाइट रिसेप्टर्स को और ब्लॉक कर रहे हैं रिलीज ऑफ द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सच एज ग्लाइसिन और गाबा, और इट इज अ प्रोटीएज दैट लीव द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द मीडिएटर रिलीज फ्रॉम द न्यूरॉन्स।
ठीक है, ये प्रोटीएस के तौर पे भी काम करता है। उसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग में स्पास्टिक पैरालिसिस आ जाएगा, और पीछे आगे हमारे पास एक और पैरालिसिस है, वो मैं आपको अगले में बताता हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास क्या मेन बात आ गई, ब्लॉक ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और उसके बाद हमारे पास ये आ गई ग्लाइसिन और गाबा दो थे। उसके बाद हमारे पास अम्बिलिकल स्टम्प, जो इसका सिनेरियो था उसके अंदर ये चीज़ें आई हुई थी जो टेटनेस से रिलेटेड थी। अम्बिलिकल स्टम्प है, मस्कुलर स्पैज्म है, प्रोनाउंस आर्चिंग और रिस्पायरेटरी फेलियर है। उसके बाद हमारे पास क्रेपिटस गैस इन टिश्यूज, ये आगे क्लॉस्ट्रिडियम में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो बात है वो ये है कि राइजस सार्डोनिकस प्रोड्यूस करता है, रिस्पायरेटरी फेलियर, टैटी और फिस्टोटोनस। ये हमारे पास जो स्पाइनल पॉइजन होता है ना वो भी यही प्रोड्यूस करता है। उसके बाद लेबॉर्टरी डायग्नोसिस जो होती है, नो बायोलॉजिकल और सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस, और प्रोड्यूस टर्मिनल स्पोर सच अ कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस ऑफ टेनिस रैकेट। इसको वो हमने जो था एंथ्रस बैसिलस एंथ्रस, वो कॉमेट टेल अपीयरेंस से याद किया था, ये इधर टेनिस रैकेट आ गया। तो ये दो बातें याद रखनी है। उसके बाद क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम, बॉटुलिनम हमेशा कैन फूड से होगा और री ईटिंग डाइट से हमारे पास सीरियस होगा। तो हमारे पास बॉटुलिनम जो होगा वो डिजीज बॉटुलिज्म करवाएगा। उसके बाद हैबिटेट सॉयल है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंजेशन ऑफ द इम्प्रॉपरली प्रिजर्व फूड, उधर री ईटिंग डाइट था, इधर प्रिजर्व फूड है। अब ये इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है हमारे पास, कि बॉटुलिनम टॉक्सिन जो होता है ना एब्जॉर्ब करता है गट से और कैरेड वे द ब्लड टू द पेरिफेरल नर्व साइनेप्सिस, ब्लॉक द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलीन। पीछे हमने पढ़ा ब्लॉक ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इधर हमने पढ़ लिया ब्लॉक रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलीन। इट इज अ प्रोटीएज दैट क्लीव द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द एसिटाइलकोलीन रिलीज। तो ये ब्लॉक करवा रहा था रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलीन। वहाँ हमने स्पेस्टिक पैरालिसिस पढ़ा या हमने फ्लैसिड पैरालिसिस पढ़ा, तो ये दोनों डिफरेंस इसके याद रखने हैं। ये डिप्लोपिया करवाता है, डिसफेजिया करवाता है, टोसिस करवाता है। उसके बाद वोन बॉटुलिज्म होता है और इन्फेंट बॉटुलिज्म होता है। तो स्पोर्स जो कंटेमिनेट करते हैं वोन को और जर्मिनेट प्रोड्यूस टॉक्सिन एट द साइट, और ऑर्गेनिज्म ग्रो इन द गट एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन देयर। तो इसका फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम भी इसी की वजह से होता है, जो हनी की वजह से होता है। उसके बाद हमारे पास लेबॉर्टरी डायग्नोसिस आ गए। तो इसके अंदर हमने माउस प्रोटेक्शन टेस्ट याद रखना है, क्योंकि ये कैन फूड से हो रहा है तो डिमॉन्स्ट्रेबल इन द अनइंटर्ड फूड एंड पेशेंट सीरम। उसके बाद एंजाइम लिंक इम्यूनो एसे और PCR। पीछे से हम रिवाइज करते जाते हैं कि पहले पे एंथ्रस था, उसके अंदर कॉमेट टेल अपीयरेंस थी। उसके बाद हमारे पास क्लॉस्ट्रिडियम जो हमने पिछला पढ़ा, उसके अंदर हमारे पास टेनिस रैकेट था। बॉटुलिनम में हमारे पास माउस प्रोटेक्शन टेस्ट है। आगे हमारे पास क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजेंस आ गया। अब इसके अंदर जो पीछे मैंने लिखा हुआ था क्रेपिटस प्रोड्यूस हो रहे हैं गैस की वजह से, तो वो इसके अंदर आएंगे क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजेंस में। अब ये कौन कौन सी डिजीज करवा रही है, गैस गिंग्रीन और फूड पॉइजनिंग। गैस गिंग्रीन में हमारे पास हैबिटेट सॉयल है, ट्रांसमिशन इसकी मोर इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पेपर में पूछते हैं। इसके अंदर हमारे पास आएगा कि ये वार वुंड करवाता है, सेप्टिक अबॉर्शन करवाता है, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट करवाता है। ये गोल के पीछे है ना कि वार वुंड है, सेप्टिक अबॉर्शन है, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट है। फिर दोबारा वार वुंड है, सेप्टिक अबॉर्शन है, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट है। उसके बाद पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इन द ट्रॉमाटाइज टिश्यू, प्रोड्यूस वेरियस टॉक्सिन, अल्फा टॉक्सिन को प्रोड्यूस करेगा लेसिथिनेज। जहाँ पर फिंजन आ जाए वहाँ लेसिथिनेज को याद रखना है कि डैमेज करेगा सेल मेम्ब्रेन को और लाइसिस करवा देगा RBC की, और डिग्रेटिव एंजाइम प्रोड्यूस गैस इन द टिश्यू। गैस किस तरह प्रोड्यूस हो रही है, डिग्रेटिव एंजाइम से। तो पहले हमने इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ा, उसके बाद हमने देखा ब्लॉक कर रहा था एसिटाइलकोलीन को, उसके बाद हमने देखा कि वो अल्फा टॉक्सिन लेसिथिनेज प्रोड्यूस कर रहा था और लाइसिस ऑफ RBC करवा रहा था। अब उसके बाद हमारे पास इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या है कि पेन है, सेलुलाइटिस है, हीमोलिसिस है, एडिमा है, जॉन्डिस, गैंग्रीन है, हाइड्रोजन गैस इन द अफेक्टेड टिश्यूज है, और ये ट्रीटमेंट कर रहा है विद IV पेनिसिलिन जी। अब इसके अंदर ग्राम स्टेट स्मियर में ग्राम पॉजिटिव रॉड, जिस हम शुरू से पढ़ रहे हैं। उसके बाद ब्लड एगर है, डबल जोन ऑफ हीमोलिसिस। उसके बाद कल्चर में ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन, एनरोबिकली शुगर फर्मेंटेशन है, और एग योक एगर। ये हमने परफिंजन में याद रखना है कि एग योक एगर कहाँ आया था, परफिंजन में। कॉलोनीज प्रोड्यूस आर प्रेसिपिटेड इन एग योक एगर बाय द एक्शन ऑफ लेसिथिनेज। ये मैं अगर आपको ना जनरल बैक्टीरियोलॉजी की वीडियो में एक दफ़ा सारा करवा दूंगा, लेकिन बस याद रखना है कि परफिंजन में हमारे पास एग योक एगर था। उसके बाद ये हमारे पास गैस गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग दो काम कर रहा था। फूड पॉइजनिंग में हमारे पास किस तरह होगी, ये हमारे पास वही इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 2 से, जो हम स्टाफ ओरियस में पढ़ के आए थे शुरू में। उसके अलावा ये वाटरी डायरिया विद क्रैम्स करवा रहा है और वॉमिटिंग करवा रहा है। उसके बाद हमारे पास आ गया क्लॉस्ट्रिडियम डेफिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डिजीज में क्या होगा कि एंटीबायोटिक एसोसिएटेड सीडू मेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है। एंटीबायोटिक याद रखना है, सिनेरियो में उसने पूछा कि अमोक्सिसिलिन थेरेपी हुई हुई है तो फिर हम क्या, और सीडू मेम्ब्रेनस कोलाइटिस है तो क्या कौन सी डिजीज होगी, तो वो क्लॉस्ट्रिडियम डेफिकल करवा रहा है। उसके बाद नोजोकॉमियल कॉज ऑफ डायरिया करवा रहा है। तो ये हमारे पास नोजोकॉमियल क्या होता है, ये हॉस्पिटल अकाइड निमोनिया, हॉस्पिटल अकाइड कॉज ऑफ डायरिया को बोलते हैं नोजोकॉमियल। उसके बाद हैबिटेट आ गया ह्यूमन कोलोन ट्रांसमिशन बाय द फीकल ओरल रूट, ये याद रखनी है, ये पास पेपर में पूछी हुई है डेफिकल की। उसके बाद प्री डिस्पोजिंग ड्रग्स जो है वो कौन कौन से, क्लिंडामाइसिन है, एम्पिसिलिन है, थर्ड जनरेशन सिपेलोस्पोरिन है, फ्लोरोक्विनोलोन है, कैंसर कीमोथेरेपी और प्रोटोन पंप इनहिबिटर है।
उसके बाद हमारे पास जो है ये डेफिकल क्या करवाएगा, ये एंटीबायोटिक जो होंगे सप्रेस करेंगे ड्रग सेंसिटिव मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द कोलोन, अलाउइंग द सी डेफिकल टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन, एंड ए एंड बी दो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, ए और बी बोथ एक्सोटॉक्सिन है द ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेजेस, एक्सोटॉक्सिन क्या कह रहे हैं डीपोलीमराइजेशन ऑफ आयन करवा रहे हैं, लॉस ऑफ साइटोस्केलेटन इंटेग्रिटी होगी, अपोप्टोसिस होगा और डेथ ऑफ इंटेरोसाइट हो जाएगी, और एक्सोटॉक्सिन बी प्ले अ लीडिंग रोल। अब सबसे पहले हमने दो याद रखे, सबसे पहले हमारे पास क्या है दोनों एक्सोटॉक्सिन जो है वो ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेजेस हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्सोटॉक्सिन ए और बी, एक्सोटॉक्सिन जो है वो डीपोलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन करवा रहा है, लॉस ऑफ साइटोस्केलेटन इंटेग्रिटी, अपोप्टोसिस होगी और डेथ ऑफ इंटेरोसाइट, और एक्सोटॉक्सिन बी जो है वो लीडिंग रोल प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमारे पास डायरिया एसोसिएटेड विद सी टू मेम्ब्रेनस इन द कोलोनियल म्यूकोसा, तो ये हमने पहले पढ़ लिया। उसके बाद न्यूट्रोफिल इन द स्टूल, एब्डोमिनल पेन, फीवर और टॉक्सिक मेगाकोलोन। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में स्टूल स्पेसिमेन है जो प्रेजेंस ऑफ एक्सोटॉक्सिन, क्योंकि एंडोटॉक्सिन तो हमारे पास होता ही नहीं है। उसके बाद पीसीआर, इलिसा और साइटोटॉक्सिसिटी टेस्ट। उसके बाद हमारे पास है कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, मैंने आपको सीएलजी से याद रखवाया था, कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस और गार्डियनेला। उसके बाद कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया क्या करवा रहा है हमारे पास, ये करवाता है डिजीज डिफ्थेरिया और इसके अंदर टेलोराइड कल्चर रेडिश ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं, क्लब शेप्ड है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, बीडेड अपीयरेंस है, अरेंज इन पैलीसेड्स और वी और एल शेप्ड, नॉन मोटाइल है और मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स है। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स क्यों बोलते हैं, मेटा को बोलते हैं चेंज, तो जब जब ये सेल के अंदर जाते हैं तो पीछे ब्लू स्टेन करते हैं और आगे रेड स्टेन करते हैं, इस वजह से इनको मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स कहते हैं। उसके बाद हैबिटेट जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और ट्रांसमिशन एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये दोबारा देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा आती हैं पेपर में, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, क्लब शेप, नॉन मोटाइल, बीडेड अपीयरेंस, वी और एल शेप, नॉन मोटाइल और मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स, उम्मीद है अब याद हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास ग्रेश एक्सुडेट सीडू मेम्ब्रेन, ये प्रोड्यूस करता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये करवाता है इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन, सर्वाइकल लिम्फोडिनोपैथी एंड मेम्ब्रेन कवरिंग मोस्ट ऑफ द ओरोफेरिंग्स इसमें में होगा। उसके बाद पैथोजेनेसिस में क्या होगा, प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करवाता, तो इन्वेसिवनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जाएगी। उसके बाद डिफ्थेरिया टॉक्सिन को हमेशा याद रखना है, डिफ्थेरिया टॉक्सिन एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ इलोंगेशन फैक्टर टू, एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ इलोंगेशन फैक्टर टू को डिफ्थेरिया से हमेशा लिंक करना है, क्योंकि इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा है। उसके अलावा सीडू मेम्ब्रेन इन थ्रॉट आ जाएगा, कॉज बाय द डेथ ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स, सबसे पहले निक्रोसिस होगी, उसके बाद एक्यूट इन्फ्लेमेशन विद द फाइब्रस एक्सुडेट्स बनेंगे जो हमारे पास म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स में सीडू मेम्ब्रेन करवा देगा। उसके बाद फंक्शनल डोमेन के एक्टिव ए डोमेन है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी करवाता है, और एक्टिव बी डोमेन है जो बाइंडिंग करवा देगा टॉक्सिन की टू द ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स। तो ये कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया बहुत ज़्यादा याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग में हमारे पास सर्वाइकल एडिनोपैथी जो मैंने ऊपर आपको दिखा दिया, फीवर, सॉर थ्रॉट, थिक ग्रे एडरेंट सीडू मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल्स एंड थ्रॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडू मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल्स एंड थ्रॉट, और फिर उसके बाद बुल्स नेक भी इसी की वजह से होगा। कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया की, एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन करवाती है, मायोकार्डिटिस करवाती है, नर्व वीकनेस और पैरालिसिस करवाती है। उसके बाद लेबोरेटरी डायग्नोसिस, इसको मैंने TLPR से याद रखा था, TLPR क्योंकि ये की बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ग्राम स्टेन स्मियर में ग्राम पॉजिटिव प्लियोमॉर्फिक रॉड्स आगे, टेलुराइड कल्चर में हमारे पास ग्रे ब्लैक कोलोनीज आगे, उसके बाद लॉफलर मीडिया में हमारे पास रेडिश ग्रेन्यूल्स आगे, एंटीबॉडी बेस्ड जेल डिफ्यूजन प्रेसिपिटेंट टेस्ट आगे, और PCR, टी से हमारे पास टेलुराइड कल्चर, एल से हमारे पास लॉफलर मीडियम, उसके बाद हमारे पास पी से प्रेसिपिटेंट टेस्ट, और आर से मेरा ग्राम स्टेन स्मियर याद रखा था मैंने, TLPR से इसको आपने याद रखना है, और इसकी कॉम्प्लिकेशन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मायोकार्डिटिस, नर्व वीकनेस और पैरालिसिस। उसके बाद हमारे पास आ गया लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक दफ़ा फिर भी इसको पढ़ना है, मेनिनजाइटिस ये करवा रहा है। एक दफ़ा सारे जो मेनिनजाइटिस वाले हैं ना वो आपने याद रखने हैं, पीछे हमने कौन कौन से मेनिनजाइटिस वाले पढ़े थे, एगेलेक्टी था वो हमारे पास नियोनेटल मेनिनजाइटिस करवा रहा था, और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो था वो हमारे पास मॉप से हमने याद रखा था वो मेनिनजाइटिस करवा रहा था। उसके बाद हमारे पास लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस है वो मेनिनजाइटिस करवा रहा है, एंड पे हम इसको दोबारा कंबाइन करेंगे कौन कौन मेनिनजाइटिस करवा रहा है, इसलिए ये याद रखना है कि लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस हमारे पास मेनिनजाइटिस करवाता है। उसके बाद गैस्ट्रोएंटेराइटिस है और फिर सेप्सिस है, और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है, ग्राम पॉजिटिव रॉड है, टम्बलिंग मूवमेंट किस में होगी, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन में, सिर्फ यही याद रखना है कि टम्बलिंग मूवमेंट किधर होगी, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन में, अरेंज इन वी और एल शेप जितना पिछले वाला था, और नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं ये। उसके बाद फीमेल जेनिटल ट्रैक और GIT, इंजेक्शन ऑफ अनपेस्टराइज मिल्क प्रोडक्ट। उसके बाद पैथोजेनेसिस ऑफ लिस्टेरिया डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू इन्वेड एंड सर्वाइव विद इन सेल्स।
इन्वेजन ऑफ द सेल मीडिएटेड बाय द इंटरनल इन और बाय लिस्टे बाय मेड बाय द लिस्टेरिया ई कैदरिन ऑन द सर्फेस ऑफ ह्यूमन सेल. उसके बाद अपॉन एंट्री द सेल द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस लिस्टीरियोलाइसिन विच अलाउ इज टू स्केप फ्रॉम द फैगोसोम इन टू द साइटोप्लाज्म देयर फॉर स्केपिंग डिस्ट्रक्शन इन द फैगोसोम. लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस कैन मूव फ्रॉम सेल टू सेल बाय द मीन ऑफ द एक्टिन रॉकेट्स. तो ये जो हाईलाइट है मैं लव ये एक दफ़ा रीड कर लेने ताकि आपके जहन में थोड़ा थोड़ा रहे. उसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अबॉर्शन सेप्सिस प्री मैच्योर डिलीवरी इन्फेंट लाइक इलनेस इन द इन्फेक्टेड मदर. उसके बाद गैस्ट्रोएंटेराइटिस करवा रहा है जो फीवर हेडेक मायल्जिया वॉमिटिंग बॉडी डायरिया एब्डोमिनल क्रैम्प्स. उसके बाद लेबॉर्टरी डायग्नोसिस में क्या ग्राम सिंट्स में ग्राम पॉजिटिव रॉड्स है. ब्लड एगर में क्या ग्रे कॉलोनीज विद द नैरो जोन ऑफ बीटा हिमोलिसिस. पीछे हमने डबल जोन ऑफ बीटा हिमोलिसिस पढ़ा या हमने नैरो जोन ऑफ बीटा हिमोलिसिस पढ़ा. उसके बाद शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट. उसके बाद हमारे पास गार्डिनेला वेजिनेलिस तो ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस करवा रहा है. ग्राम वेरिएबल रॉड्स है. थिन ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है. जो इसकी बात याद रखने वाली है वो ये है कि ये सारे क्लिनिकल फाइंडिंग देख लीजिएगा. उसके बाद जो बात याद रखने वाली ये है कि विफ टेस्ट जो होता है ना पॉजिटिव होता है. पीछे हमने पढ़ा था कैम टेस्ट पॉजिटिव किसका होता है वो एगलेक्टी का था. और यहाँ पे हमने विफ टेस्ट किसका पढ़ा गार्डियनेला का. तो ये हमेशा याद रखना है. उसके बाद क्लू सेल्स होते हैं जो वजाइनल एपिथीलियल सेल्स होते हैं कवर्ड विद द बैक्टीरिया इन द वजाइनल डिस्चार्ज. तो माइक्रोबायोलॉजी इतनी मुश्किल नहीं है. अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो बहुत ज़्यादा याद रहेगी. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी वीडियो.